पहली बात मेंबर्स ऑफ द मीडिया, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आप यहाँ पे आए. सर एक्चुअली बहुत ही आसान जवाब है इस सवाल का. जब ऐसी स्टोरी होती है तो हाँ बोलने में देर नहीं लगती है. जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, शांतनु सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं या सिर्फ अंत के 15 मिनट. मैंने कहा आप क्या चाहोगे सर. सर ने बोला मैं पहले आपको क्लाइमैक्स सुनाता हूं, उसके बाद मैं पूरी फिल्म सुनाऊंगा. जब सर ने अंत के जो क्लाइमैक्टिक 15 मिनट्स मुझे सुनाए, मैंने कहा कि सर आपको फिल्म कब शुरू करनी है मुझे बता दीजिए, शुरू करते हैं. तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इजी हो जाता है जब कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, जब डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो, जब नियत साफ हो. जो पहली चीज मुझे पता चली कि सर ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ये कहानी बताना चाहते हैं. मैं क्या बोलूं, मैं तो लास्ट का गाना, सर ये गाना नहीं दिखाना था सर आपको. यहाँ पर मीडिया के मेरे जितने बंधु हैं सबको नमस्कार. एक खास बात जो पूरी इस फिल्म में मुझे लगी, इस विषय पर पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन इस विषय में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है कि आप मसाला डाल सकें, सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, विषय ऐसा है. उसके बावजूद मैं शांतनु जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतनी सफाई से इस सब्जेक्ट को टच किया है कि आप देखेंगे और ये विषय आपको, मतलब ये समस्या आपको अंदर से हिलाएगी, लेकिन कहीं भी आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या दिखा दिया. ये सबसे खास बात है इस फिल्म की, कि आप पूरी फिल्म देखेंगे आपको अंदर से हिलाएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कहीं भी आप मुंडी परिवार के साथ बैठ के अगल बगल नहीं देखेंगे, सिर्फ फिल्म देखेंगे और विषय टच करेगा. और जब मैंने अपना थोड़ा सा काम देखा तो पहली बार मुझे खुद से घृणा हुई. मैंने बहुत सारी फिल्में एज अ विलन की है, पहली बार लगा कि गलत किया है मैंने. थैंक यू शांतनु जी इस मौके के लिए, थैंक यू सो मच. शांतनु सर बहुत कुछ ये फिल्म कहना चाह रही है, बहुत कुछ आपके भी जहन में होगा जब आपने ये कहानी बनाई, जब इसको डायरेक्ट किया आपने, किस तरह के इमोशंस सर चल रहे थे? इमोशंस ऐसा है कि अभी भी टीम रिलीज होने के बाद भी ये इमोशन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना बड़ा है समाज के लिए, इसको किसी जाति वर्ग से हमें नहीं जोड़ना चाहिए. कहानी जिस वक्त दिमाग में आई उसी दिन से चल रहा था कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है नाम से, टाइटल से, ट्रेलर से और सारी चीजें देखकर कि विषय रेप के आसपास घूम रहा है. लेकिन जैसे संजय जी ने कहा, इसके पहले भी रेप पर फिल्में आई है, इसके बाद भी आएगी, अनगिनत आएगी, लेकिन कलेक्टिवली किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया. हमेशा से होता है किसी की बहन का रेप हुआ है, माँ का हुआ है, बेटी का हुआ है और रिवेंज लिया जा रहा है. कलेक्टिवली हमने किसी टॉपिक को, इसको जो एक देखने का नजरिया होना चाहिए, वो किसी ने अभी तक जोखिम नहीं उठाई. सो मेरा ऐसा था कि रेप रेप होता है, किसी के साथ भी हो, एक के साथ हो, हजार लोगों के साथ हो या कैसे भी हो, और ये चीजें हो रही है, तो इसको हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं. तो कोशिश करने के लिए जो मेरे गाने के एंड में भी अपने डायलॉग सुनाए कि कुछ ऐसा नया करते जिससे सोया समाज, एक्चुअली समाज भी सोया हुआ है और हमारा कानून तो अंधा है ही है, तो उनकी आंखें खोलने की कोशिश करने के लिए ये फिल्म मैंने बनाई है. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल से मैंने इस पे 3-4 दिन पहले भी बात की है, मीडिया में फिर कहूंगा क्योंकि वो चीज अभी भी मेरे दिमाग से, जहन से जा नहीं रही है. हमारे सब मीडिया कर्मी हैं, सबको पता है ये न्यूज आती है रेप की और चली जाती है, हम थोड़े दिन तक उसके ऊपर थोड़ी देर तक गॉसिप करते हैं. मेरा एक सीन था जो मैंने एडिट किया है कि हम अरे ऐसे रेप हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, और हाय ड्यूड कहाँ है, शाम को मिलेगा क्या, खत्म, हमारी जवाबदारी खत्म. हमें समाज को बदलने की बहुत जरूरत है.
समाज को, हमें नहीं, मैं नहीं बदलूंगा समाज, समाज को खुद बदलना पड़ेगा। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना के साथ हम प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ दुनिया को यह दिखाने की जरूर कोशिश करें कि हिंदू धर्म की स्थापना हो रही है हिंदुस्तान में, जो कि ऑलरेडी है, हिंदू धर्म कहीं गया नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश करें कि शायद नए से शुरू हो। एक तरफ हिंदू धर्म की परिभाषा पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिंदू धर्म की मूल जो मुख्य धारा है कि नारी का सम्मान, क्या हम वो कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि फिल्म से अच्छा माध्यम नहीं है जो बहुत जल्दी आजकल लोगों से कनेक्ट होता है, तो मैंने कोशिश की है। बाकी तो आप मीडिया खुद इसको एनालाइज कीजिए, जनता एनालाइज करेगी कि मेरी कोशिश सफल हुई या नहीं। मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला और ये मेरी पहली फिल्म। ये कैसे मिली, ये भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं शांतनु सर के साथ वीडियो कॉल पे था और सर ने बोला कि मिलना है, तो मैं अगले दिन ही अमृतसर से फ्लाई करके बॉम्बे आता हूँ। सर थोड़ा सा सार समझाते हैं मुझे स्टोरी का और मैंने बोला सर शुरू करते हैं प्लीज, मुझे ये फिल्म करनी है। तो सर बोले कि मुझे मेरा राम मिल गया है, तू देख ले, सोच ले क्या तेरा डिसीजन है। तो उस टाइम पे मतलब मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई भी नहीं था और मेरी दादी की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखें जाने से पहले। तो मैं थैंक यू बोलूँगा शांतनु सर का कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाई और बहुत जल्द हो पाई। शायद शांतनु सर ये जरिया थे जो मैं अपनी दादी का सपना पूरा कर पा रहा हूँ, तो थैंक यू बोलूँगा मैं। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं दशमी को लेके, 19 तारीख को लेके बहुत एक्साइटमेंट और बहुत नर्वसनेस भी है, तो बस 19 का वेट कर रहा हूँ। कमिंग टू ऐश्वर्या जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज योर प्रॉपर मूवी राइट, जो आप जो काम कर रहे हैं इस फिल्म में, वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस। जी ये मेरी भी पहली पिक्चर है एंड आई थिंक मेरे लिए इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता है। द फैक्ट दैट इतने सीरियस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई है। एंड एज अ वुमन मुझे लगता है कि इस चीज पर बात करना जरूरी है। एंड मेरे डेब्यू फिल्म के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कहानी नहीं हो सकती थी। शांतनु सर बीइंग द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, उन्होंने हमारे लिए साथ ही साथ एक फादर फिगर का भी रोल निभाया है। आई थिंक फॉर अ फर्स्ट टाइमर इनसे अच्छे डायरेक्टर भी नहीं मिल सकते थे मुझे। व्हाट ग्रेट को-स्टार्स, व्हाट ग्रेट डायरेक्टर, उन्होंने हमें जो गाइडेंस दिए, ही जस्ट टुक अस अंडर हिज विंग्स। एंड जो वर्कशॉप्स कराए उन्होंने, आई थिंक वो काफी मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है। मुझे लगता है हमारे समाज में हर किसी तक ये कहानी पहुंचानी बहुत जरूरी है। एंड एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रीच आउट टू पीपल विद द राइट कॉज, आई थिंक इससे ज्यादा एक आर्टिस्ट का सेटिस्फैक्शन हो भी नहीं सकता है। ये इत्तफाक नहीं था, ये पहले से प्लान था, लेकिन ये प्लान मेरा नहीं था, प्रभु राम का था। मेरा प्लान नहीं था बिल्कुल, श्री प्रभु राम ने ये प्लान किया हुआ है कि दशमी के जरिए सच्चे राम राज्य का आईना मैं समाज को दिखाता हूँ। संजय जी आपसे एक सवाल है कि बेसिकली ट्रेलर में मैंने देखा कि आपकी हंसी है, सिर्फ ये हंसी नहीं है, शायद इस हंसी के पीछे और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, जैसे सीन है उसके बहुत अच्छे सीन है, मतलब अच्छे इन द सेंस की फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है वो सीन जो आप देखेंगे सिनेमा में, थोड़ा सा छुपा के रखा है इन्होंने अपने रावण को। राम राज्य आने के लिए प्रभु राम को खुद ही आना पड़ेगा सर, उनके बिना ये मुश्किल है। कोशिश हो रही है कि जिस तरह से राम राज्य था सत्य और नारी के सम्मान के लिए योग्य था, उस दिशा में हम चल पड़े, कोशिश हो रही है। आएगा कि नहीं ये तो प्रभु राम के सिवा कोई नहीं बता पाएगा, हम कोशिश कर रहे सारे मिलकर। मेरी फिल्म के माध्यम से सिर्फ नारी सम्मान की बात है जो राम राज्य का एक अहम हिस्सा था,
बाकी तो राम राज्य सही मायने में एक हर किसी को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं या आदिल और मोनिका जी की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं क्या था पहले अपनी ये फिल्म की तारीख 12 तारीख थी तो लोग प्रमोशन का हिस्सा होने वाले थे। मेरे जितने भी स्टार है जो एक्टर्स है उनमें सबसे बिजी स्टार आदिल और मोनिका है जो बहुत बिजी है, उनके पास काम शायद आगे के 3 साल तक उनके डेट्स नहीं है। सो एक हफ्ता आगे जाते ही थोड़ा सा मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर की तकलीफ समझता हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दूसरा प्रोड्यूसर मर जाएगा तो मैं मर गया चलेगा, मैं दूसरे प्रोड्यूसर को नहीं मार सकता। तो मैं प्रोड्यूसर की तकलीफ समझते हुए उनको मैंने छूट दे दी कि आप प्रोजेक्ट कर लो, दशमी के लिए मेरे पास वरदान और गौरव है जो अपने कंधे पर, और दशमी अपने आप में दशमी है जो उसको उठा ली। मुझे ऐसा लगता है आपने फिल्म दिल से बनाई है, दिमाग से नहीं। आपकी क्या राय है? आपको जो लगता है वही मुझे लगता है, दिल से बनाई है, पूरे दिल से। सर कुछ सवाल आपने समझ लिया मेरे दिल को, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। शाम को चाय पियेंगे सर, जाके भाई, जाके भाई। दिल की बातें और शेयर करेंगे।